मध्य प्रदेश की चुनाव चर्चाओं में बेरोजगारी का मुद्दा खास बनता जा रहा है। इस चुनाव में इस मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की क्या भूमिका रहेगी और कौन सा दल इस मुद्दे पर क्या राय रखता है, आज की हमारी चर्चा इसी पर आधारित है। इसके साथ ही आज हम अन्य चुनावी मुद्दों पर राजनीतिक समर्थकों की राय भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी खास चर्चा दिनेश दसौंधी के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसौंधी, एक बार फिर हाजिर हूं जनता की बात कार्यक्रम को लेकर। जनता की बात में हम लगातार लोगों नेताओं की राय जानते रहते हैं और हमें जो प्रश्न आपकी ओर से मिलते हैं उन प्रश्नों का जवाब जानने का प्रयास भी करते हैं। आज हमारे साथ छोटी उनके अमित मंडलोई जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ भाजपा के संतोष पाटीदार जो उनके हैं। इन दोनों से हम जानने का प्रयास करेंगे, हमारे सवालों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की। दिन पर दिन युवा पढ़ लिख कर किसी न किसी तरह किसी भी रोजगार से जुड़ने के बजाय बेरोजगार होते जा रहे हैं और बेरोजगारी के लिए लगभग सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारों ने क्या किया, विपक्ष क्या कर रहा है, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। अमित जी, बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारी के लिए भाजपा कहती है कि वह लगातार लगी हुई है, क्या काम क्या होना चाहिए? देखो, भाजपा सरकार हमेशा झूठ बोलती आ रही है और झूठे बयानबाजी कर रही है और हमेशा झूठी सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो सबसे बड़ा व्यापम मुद्दा मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, अभी पटवारी घोटाला हुआ है, उसमें भी कई छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो आप क्या मानते हैं कि बेरोजगारी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है और हमेशा भ्रष्ट ही काम करती है, क्योंकि इधर से उधर नेतागिरी करना, ये हर विधायक बीजेपी के ऐसे ही है जो फर्जीवाड़ा ही कर रहे, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। संतोष जी, अमित जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आप कुछ करते नहीं हो, छात्रों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है रोजगार के हिसाब से, ये जो बोल रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो टारगेट के हिसाब से गवर्नमेंट कर रही बेरोजगारी का टारगेट बढ़ा करके वो चल रही है और एकदम से मांग की पूर्ति एकदम से नहीं होती है, वो धीरे धीरे एक एक पेड़ी चलती जा रही है। तो बेरोजगारी के लिए सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही, कौन सी योजनाएं लाई है? योजनाएं क्या है भाई, जो एमपी के अंदर ये जो उद्योग जो बढ़ा रही है इसमें गवर्नमेंट तरफ से रोजगार ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाएगा। मतलब आप कहते हो कि सरकारी नौकरी के बजाय प्राइवेट में प्राइवेट जॉब बढ़ेगा। अमित जी, एक गाँव की सबसे बड़ी समस्या रहती है, गाँव के लोग अक्सर गांव छोड़ के पलायन करते हैं, बेरोजगारी जब बढ़ जाती है तो गांव के लोगों को गांव छोड़ के शहरों में जाना पड़ता है और शहरों में भी कई लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। कांग्रेस ने आज तक शहरी रोजगार के लिए क्या किया, उद्योगों के लिए क्या किया है? उनने बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई और हर क्षेत्र में उनने जो भी किया सरकारी कंपनियाँ अटेंड की और इनने सब बेचने का काम किया है। मोदी सरकार ने तेल बेच दिया, रेल बेच दी, तेल और रेल बेच, एयरलाइन बेच दी, अब इनके पास कोई रोजगार तो है ही नहीं, कंपनियां करवाएगी मोदी सरकार। आप जैसे कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि 5 सालों में क्या काम हो जाने थे और क्या नहीं हो पाए? देखो, सरकार चेंज होगी तो हर तरह का उन्नति होगी और सरकार होना ही है। आप मानते हो सरकार चेंज होगी? हाँ, चेंज होगी, 150 सीट आएगी। 150 सीट लेकर आ रहे हो, ऐसे कौन से कार्यों को लेकर, आप किन मुद्दों को लेकर के जमीन पर जाओगे, 150 सीटें प्राप्त कर लोगे? देखो, जितनी भी महंगाई के ऊपर, क्योंकि जब 450 में टंकी मिलती तब स्मृति ईरानी पूरे दिल्ली में टंकी को लेकर घूमी थी, रैलियां की, रोडबंदी की, और मोदी जी ने भी बोला था कि अरे भाइयों और बहनों, घर वोट डालने जाओ तो सबसे पहले टंकियों को प्रणाम करके जाना, क्योंकि यही तुम्हारे महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। तो आज मोदी जी कहाँ गए, उन्होंने तो स्मृति ईरानी कहाँ गई, उन्होंने तो आंदोलन भी किया, कांग्रेस तो जमीन के ऊपर कोई ऐसा बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाई महंगाई को लेकर। देखो, आज ऐसा है कि किसी के पास अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। संतोष जी, अमित जी कह रहे हैं कि गैस टंकी जब 550 की थी, 500 की थी, तो 50 बढ़ने पे स्मृति ईरानी ने आंदोलन किया, आज 1100 हो गई, आप उस पर कुछ विचार नहीं करते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है,
1100 में टंकी मिल रही थी बहनों को, लाडली बहनों को, है ना, 1000 रुपये दे रहे शिवराज सिंह सरकार, तो वो तो ऑटोमेटिक घर के अंदर पैसा जाता है बहनों के यहाँ। तो ये जब बोलते थे कि हमेशा एक बार जो भाव हो गया वो ज़िंदगी भर तक भाव नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का भी और व्यापार का भी, उसमें अगर संशोधन हुआ है कि लाडली बहनों को 1000 रुपये दे रहे हो उसमें एडजस्ट हो गया और वापस पैसा बच गया है और हर महीने वो दे रहा है। लाडली बहना हमें आप 1000 दे रहे हो, कमलनाथ जी कह रहे हैं हम 1500 देंगे। 1500 देंगे तो उसके बाद में हमारी सरकार बैठने के बाद में और विचार करके हम और ज़्यादा देंगे। मतलब ये केवल भविष्य की योजना है, कमलनाथ जी 1500 देने कह रहे हैं तो आप 3000 तक ले जाओगे? हाँ ले जाएंगे, और हाँ मैंने वादे कर दिए कि नहीं तो उसको पूरा निभाते हैं। ऐसे कौन से वादे आप लोगों ने पूरे कर दिए? ये जो आपने ये लाडली बहना की जो 1000 वाली बात कही ये हमने चालू भी कर दी है और हम घोषणाएँ नहीं करते हम। लेकिन शिवराज सिंह को तो घोषणावीर कहते हैं कांग्रेस वाले। क्या करते हैं कांग्रेस वाले? शिवराज सिंह को कहते हैं घोषणाएं करके चले जाते नहीं, हैं। नहीं नहीं, वो तो सब एमपी की सरकार, एमपी की वो पब्लिक सब समझती है। घोषणाओं को लेके एक बात मुझे अक्सर याद आती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ एक जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आए थे और मैं खुद बतौर पत्रकार उनसे मैंने बातचीत की थी और उनको एक मुद्दा बताया था पर्यटन स्थल को लेकर के, उनको पर्यटन स्थल को लेकर के। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनको पर्यटन बनाने की घोषणा करके चले गए थे, क्या हुआ उस घोषणा का? उसके लिए भी अमलता पे आएंगे हम, ये बहुत ज़रा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हो ये बहुत ऐतिहासिक और पुराना है और वास्तविक में उनको यह हक है पर्यटन स्थल बनने का, तो इसके लिए वास्तविक में बीजेपी क्या कर रही है? उसके लिए भी विचार करके हम आगे उसको ले जाएंगे। भाजपा पर एक आरोप लगता है कि भाजपा में, जैसे अमित जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सबसे आगे है, भाजपा जहां भी रहती है जिस भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है वहां भ्रष्टाचार चरम पर होता है। नहीं नहीं, ये आम पब्लिक को दिखना चाहिए कि नहीं? आम पब्लिक को दिखता नहीं है कि भ्रष्टाचार करे, भ्रष्टाचार होता है तो घर से बाहर निकाल देते, पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। पार्टी से बाहर निकाल देना उसका कोई हल हो जाता है? बिल्कुल होता है। एक आरोप भाजपा पे अभी पिछले कुछ दिनों से लग रहा है सीधी में, एक आदिवासी कार्यकर्ता के ऊपर, एक भाजपा के समझ लीजिए विधायक प्रतिनिधि, उसको समझ लीजिए विधायक का ही आदमी है, वो पेशाब करता है, तो क्या? पेशाब करता है पर विधायक के सामने थोड़ी पेशाब करता है, अगर वो जन प्रतिनिधि अगर कुछ उनके पास से हटके या फिर उसके घर आने के बाद में अगर वो कुछ नंगा भी नचे तो उसमें शिवराज सिंह या विधायक क्या करेगा? मतलब आप उसको जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं मानते? नहीं मानते, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, पर उसके लिए सुधार के रास्ते उसने अपना लिए। सुधार के रास्ते क्या अपनाए? उसको दूर भगा दिया है। अच्छा, कि ऐसे आदमी को हमारे पास नहीं रखते। अमित जी सीधी कांड पे कह रहे हैं कि जवाबदारी ज़्यादा नहीं बनती है। देखो ये बीजेपी वाले हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं क्योंकि इनका काम ही है, क्योंकि इनको सत्ता का भूत चढ़ा हुआ है कि छोटे मोटे जाति के लोगों को कुछ समझना नहीं, उनके ऊपर पेशाब करना, उनको खरीदना, ये बीजेपी वालों की शुरू से आदत है। तो आदिवासियों के साथ आपको लगता है कि भाजपा के शासन में अत्याचार बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। वो तो आप भी एक आदिवासी हो तो आपको क्या लगता है कि दिल में किस तरह से महसूस होता है जब इस तरह की घटना घटती है? अपने खरगोन जिला की ये दूसरी घटना है, दूसरी खैर अपनी पहली खरगोन जिले में खैरकुंडी में हुई थी आदिवासी के साथ में, और दूसरी मंडलेश्वर में हुई थी और ये तीसरी घटना सीधी की हुई है। तो सीधी की घटना के ऊपर कांग्रेस भी तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही, कुछ वैसा आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमने विज्ञापन दिया था कलेक्टर को, ज्ञापन में। अच्छा, ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, क्या किस तरह की बात रखी आपने अपने समाज की ओर से? ये तो CM को कुर्सी पद से हटाना, CM को हटाना, लेकिन CM की जिम्मेदारी तो नहीं बनती है। विधायक के नीचे का आदमी यदि ऐसा कुछ काम करता है तो विधायक की जवाबदारी भी नहीं बनती, क्योंकि हर आदमी के साथ तो विधायक और CM रह नहीं सकते। हाँ। संतोष जी का ये कहना है उनकी जवाबदारी नहीं बनती तो उसको उसके पैर क्यों CM ने धोए? शिवराज सिंह ने पैर नहीं धोना था, क्योंकि उनको पता है आप चुनाव आ रहा है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव के लिए, शिवराज सीधी हत्या सीधी कांड वाले के पैर धो रहे हैं। हाँ संतोष जी, अमित जी कह रहे हैं सीधी वाले कांड में शिवराज सिंह ने पैर इसलिए धोए क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव नहीं आ रहा है कि अगर आपने आदमी ने अगर गलती करी है तो उससे उस बड़ा आदमी अगर माफ़ी मांगता है और पैर धोता है तो ये अच्छा ही है। क्या है
ये मतलब अच्छाई की बात पेश हो रही है। मतलब पहले गलती कर लो फिर माफ़ी मांग। नहीं तो मांग नहीं, उसने थोड़ी करी है, वो शिवराज सिंह ने, सरकार ने थोड़ी करी है, उनके आदमी ने, छोटे आदमी ने जो साथ में पिए रहता है, उसने अगर बाद में कर दी उसके नज़र के सामने नहीं की और अनजान में कहीं कर दी तो उसकी उसकी वो भरपाई कौन कर रहा है? शिवराज सिंह कर रहे हैं, ये तो अच्छा ही हुआ। संतोष जी, एक मैं दोनों ही पार्टियों से पूछना चाहूँगा क्योंकि दोनों ही पार्टी में छुटवइए छोटे नेताओं का सबसे बड़ा ये बनता जा रहा है। एक विधायक के नीचे ये काम करने वाला आदमी अपनी दादागिरी से सरकारी कर्मचारियों को डराता है, सरकारी कार्यालयों में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, इस तरीके से कहीं ना कहीं एक दादागिरी का एक हिस्सा दोनों ही पार्टियों में बनता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही जो दादा है उनसे अपने पास से दूर हटवाने की हम बात सरकार को बताएंगे शिवराज सिंह को। एक आरोप अभी पिछले दिनों विधानसभा में ये भी लगा है कि जो भोपाल में सरकारी कार्यालय जो है, सतपुड़ा भवन में आग लगी, आपको पता होगा सतपुड़ा भवन में आग लगी तो कांग्रेस ये कहती है कि वहाँ भ्रष्टाचार के निशान थे, उनको मिटाने का प्रयास किया गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आपातकालीन स्थितियाँ बनती है, आपात को कोई रोक दे सकता है। मतलब ये एक अचानक लगने वाली, अचानक वाली है अमित जी? ये लगने वाली बात नहीं, ये लगाई गई है। अगले चुनाव में भी ऐसे का ऐसा हुआ था, उसमें सतपुड़ा भवन में आग लगा दी थी, देख लिया कि अपन बीजेपी हार रही है, इस कारण कोई हिसाब नहीं मांगे, इसलिए पहले भी आग लगा थी और ये दूसरी बार आग लगी है उसमें। मतलब लगाई गई आग, समझ ये लगाई गई। अच्छा, अब मैं अपने आखिरी प्रश्न पर आता हूँ और मेरा आखिरी प्रश्न हम हर व्यक्ति से पूछते हैं, हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई खरगोन में आप किसको पहली पसंद मानते हैं? अमित जी, खरगोन में आप किसको पहली पसंद मानते हैं? पहली पसंद रवि जोशी है कांग्रेस से। रवि जोशी जी हैं, आपको लगता है रवि जोशी जी इस बार सीट निकाल पाएंगे? पूर्ण बहुमत से भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी तो कहती है। हर गांव में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा हर आदमियों से पूछा है, औरतों से पूछा है, नारी सम्मान के फॉर्म भरे है, तो हर महिला हर वोटर की यही है कि पहली पसंद रवि जोशी। पहली पसंद रवि जोशी। संतोष जी, इनकी पहली पसंद रवि जोशी, आप भाजपा में पहली पसंद किसको मानते हैं? बालकृष्ण जी पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार, ऐसे कौन से काम किए आपके, उनको क्या क्या दिया है उन्होंने? उनको ने पूरी विधानसभा को उन्हें दिया है सामुदायिक भवन, समाज का उत्थान और 100 का 100 मामला रहा। और उसके अलावा कोई काम? उसके अलावा तो जो भी मांगे जाती है तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है, उसकी गिनती नहीं हम बता सकते नहीं। आज की चर्चा में हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर पहली बार हम लोगों ने चर्चा की और बड़ी बेबाकी से जवाब दिए हैं अमित जी और संतोष भाई ने, इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी इस रिपोर्ट को, इस चर्चाओं को, हमारी जितनी भी चर्चाएँ उन्हें आप डिजाना विजन न्यूज केबल के माध्यम से देख सकते हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, हमारा SW मध्य प्रदेश चैनल है जिस पर आप देख सकते हैं। और साथ ही YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी इस तरह की चर्चाओं के साथ आने वाली हर खबर, देश दुनिया की हर खबर के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आप अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं, आपके प्रश्न का हमें इंतजार रहेगा, हम आपके प्रश्न को हमारी चर्चाओं में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे ऐसे किसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।